अच्छा बाबूजी, मैं बिरहा गायिका पूजा निगम पूरी टीम की ओर से आप सभी बिरहा श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और ये आप लोगों के बीच बहुत ही शानदार बिरहा बाबा विश्वकर्मा जी के बारे में हम सुनावे जा रहा हलवानी। उम्मीद बाकी आप लोगों के बिरहा पसंद आई और ये हमारे बिरहा आप लोगों के बीच जा रहा हलवा ओपी म्यूजिक की ओर से। तो आप लोगों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद बाकी बिरहा के बड़ा ही प्यार मिली, सम्मान मिली और आप लोग ओपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर ली हन। हमरे बिरहा का शीर्षक बा भाथी की उत्पत्ति। आखिर भाथी की उत्पत्ति कैसे हुई भैया, भूमिका की लाइन है आजा। कला के विधाता हैं नाम बुद्धि दाता, नमो हरि नमामि नमः विश्वकर्मा। झपकते पलक जो की लंका बनाए, दर्पण के जन्मदाता नमो विश्वकर्मा। स्वर्ग लोक माया लोक ये तो सब कुछ बनाए, शस्त्र के विधाता नमो विश्वकर्मा। लकड़ी में विश्व कला सुंदरी बनाए, ना जाए ब्रह्मदाता नमो विश्वकर्मा। देखे हो बाबूजी, बाबा विश्वकर्मा को हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार लोग निर्माण और यंत्रों का देवता कहते हैं। बड़ी सुंदर लाइन बाबा विश्वकर्मा जी के बारे में कभी जी लिखला हा, पर गजल का अंदाज भैया कैसे आ जा। क्या बात है, इशारा काफी है आपका। इधर का कोनो आशिक मासुका के बीच का बात है। वह आशिक जो है कई वर्षों से बाहर रह रहा था, कई वर्ष बिताने के बाद आया है। गांव में उसकी मासुका इंतजार कर रही थी। मासुका जब देखी उसे पता चला कि मेरा पगला आ गया है। पगली दौड़ कर जाती है मिलने के लिए, लेकिन वो जो है मना करता है कि जाने मन कल हम आराम से मिलते हैं। तब वो कहती है क्या, अरे कल के वादों में गुजीरे हैं वर्षों, अरे कल के वादों में गुजीरे हैं वर्षों, कह रहे हैं कि कल हम मिलेंगे।
कल ही में ना जानते कल, कल ही कल में ओ ना जानते कल, क्या पता है कि कल हम मिलेंगे। विश्वकर्मा जी के बारे में कहल गई भैया का, विश्वकर्मा की अनुपम कहानी, अरे विश्वकर्मा की अनुपम कहानी, चंदा तारे भिगाते रहेंगे। है कला जब तक दुनिया में जिंदा, है कला जब तक दुनिया में जिंदा, विश्वकर्मा पूजाते रहेंगे। अपना प्रत्येक कार्य शुभारंभ करने से पहले, आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम बाबा विश्वकर्मा जी का ही पूजा करते हैं। और देखें बाबा विश्वकर्मा जी का देन भाई भैया कि आज के डेट में, आज के जनरेशन में, आज के जमाना में विज्ञान इतना तेज है, विज्ञान इतना आगे है, मानव जाति इतना आगे बढ़ रहे हैं। कहना है कैसे भैया, नजम का लाइन है, विज्ञान का अद्भुत हुआ जमाना है, आज विज्ञान का अद्भुत हुआ जमाना है, कहीं जहाज कहीं रॉकेट का उड़ाना है। कहीं पर काष्ठ कला मूर्ति कला ख्यात हुआ, कहीं पर काष्ठ कला मूर्ति कला ख्यात हुआ, लोहा स्वर्ण कला बिजली भी विख्यात हुआ। कला के दाता विश्वकर्मा की कहानी है, कला के दाता विश्वकर्मा की कहानी है, मिली पुराणी से है ना मेरी जुबानी है। ऋषि प्रभात भुवन देवी के बखरिया में, ऋषि प्रभात भुवन देवी के बखरिया में, लिए अवतार जो निपुण थे कारीगरिया में। विश्वकर्मा की दुल्हन विश्वकला बन आई है, विश्वकर्मा की दुल्हन विश्वकला बन आई है, पुत्री ब्रह्मा की बहन नारद की कहलाई है। देखे बाबूजी कहानी पर गौर करिएगा, ये बात दो समय के बाद जोना समय बाबा विश्वकर्मा का शादी विश्वकला यानी ब्रह्मा जी की पुत्री से भई, दुल्हन विश्वकला के घर में लेके अल ये भैया, तो दुल्हन देखा आवे ल जब ये भैया, तो हम लोगन के पता है कि सबके जीवन में चाहे केहू कैसनो होके एगो ऐसन रात आवे ले जो ना रात के बारे में सबके पता है, चाहे के उन नीक होके जबून होके, लेकिन रात सबके जीवन में आवे ले। तो बाबूजी दुल्हन विश्वकला आई है, घर आंगन खुशी से भर गई बा, तो कहना है का भैया गीत लग गई।
बात है। बारह गुलाब भैया जवाब ना है तोहरो, कोनो मेहरारू खिसी आ गई। रामकृत भैया अपने मर्द से कहत बका हो, जमाना इतना आगे बढ़ गई, सबके घर में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, लेकिन तुम्हारे घर में वह पुरनका जमाना वाला लकड़ी झोंके वाला काम। खिसिया की कहत ये का, अरे फेंक दे बल्लो ना फोड़ दे चूल्ही, अरे फेंक दे बल्लो ना फोड़ दे चूल्ही, फेंक दे बल्लो ना फोड़ दे चूल्ही, छोड़ दे तोहरो घर करे जा, सहिते में या वह ना तो जाइब नहीं हर करे जा। विश्वकर्मा के घर ए बाबू, लूटले से जरी या पे मजा के लहर ए बाबू, लूटले से जरी या पे ए भैया। समय बीतल बा, दुलही के संगे संगे अपन रात बितौले हुमन, लेकिन देखा बड़ा ही प्यार से मोहब्बत से परिवार चलत बा। लेकिन भइल का ए भैया, देखा खुशी फिर से दोबारा परिवार में आ गेल बा, आ कैसन खुशी आइल बा कहना है क्या। मधु मधु कर रस छलकल गगरी गगा, हसे अंगनामा में चनावा चकोरिया, अरे संध्या बिटिया पैदा भैली, अरे संध्या बिटिया पैदा भैली, कुछ साल गईले गुजर के बाबू, लुटले से जरिया पे मजा के लहर के बाबू, समय बीतल बा कुछ वर्ष बीतल बा, विश्व कला के तन से सुंदर बिटिया का जन्म भइल, जोना बिटिया का नाम संध्या बतावल गइल। अब देखा बिटिया पैदा भइल बा, खुशहाली ही खुशहाली है कि घर में लक्ष्मी का अवतार हो गया। देखे हो बाबूजी, जितना भी लोग खबर के सुनले हुआ कि विश्वकर्मा के बिटिया भइल बारी, सबे दुआरे आवत बा, घरे आवत बा बिटिया के देखे बदे, लेकिन देखा हो रामकृत भैया गुलाब भैया कहल जला कि पहला संतान चाहे बेटी या बेटवा जब पैदा होला, आय हाय 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 बड़ा निक लगे ला ये भैया। वैसे ही देखा दोनों पति पत्नी बड़ा खुश हुमन जब बिटिया घर आंगन में चहके खेले, दोनों पति पत्नी को उतने ही प्यार बढ़े, तक कहना भैया तर्ज लग गई। ओहो क्या बात है, इशारा काफी है गुलाब भैया, आप इशारा कह दी हम समझ जाए कि आप का कहत हो। कौनो मेहरारू कहलस अपने मर्दे के कह दिया हो, ए जिरौआ के का बता हो कि हम रौआ के कतना मानेला, कह दिया का तोहरे में बसे राजा वो हमारो परनामा हो, रात दिन रहे बस तोहरे भैया नामा हो, तोहरे में बसे राजा हमारो परनामा हो, रात दिन रहे बस तोहरे भैया नामा हो, कहत बा मन झूमे नाचे गावे
पावे जब तोहारा के पावे बड़ा नीक लागे राजा तोहरे संगमा हो हम होई राजा जी के पतरी पिरियाबा पियाबा हमार पतर नमा हो खिलावत हुआ कैसे आ खुशिया में महके विश्व कर्मा के यंगा नामा हो क्या बात है अच्छा के कोयल जस संध्या जब भवनमा हो खुशिया में माँ के विश्वकर्मा के यंगनामा हो चाह के कोयल जस संध्या जब यंगनामा हो आज जब गीत गजल गाए मन भाव विभोर हो जाए मन भाव विभोर हो जाए धीरे धीरे जब पीतल कुछा दिनमा हो मनवा मगन मन खूब हर सैले खुशी में मगन खूब मन हर सैले बरसेला प्यार के सुमनवा हो गुलाब भैया एक क्षण भी दूरे नहीं अपना सरकत हुआ घर में कुल गान बजान होत बा बिटिया के बड़ा ही प्रेम देत हुआ दुलारत हम कैसे भैया आप प्यारी गुजरिया विश्व कला के सूरतिया दिन रात निरखे नजरिया क्या बात है देवराज इंद्र तब यही ले विश्वकर्मा जी से बताइले बताइले कला चल के है मायापुरी के रचनमा हो मनवा मगन देखा खूब हरी सैले मनवा मगन देखा खूब हरी सैले परसला स्नेह के सुमनमा हो समय बीते लागल एक दिन देवराज इंद्र जी आते हैं विश्वकर्मा जी के दरवाजा पर अलन आवाज लगेलन विश्वकर्मा जी निकल करके बाहर आए तो विश्वकर्मा जी से मायापुरी नगर का निर्माण करे बदे भैया प्रस्ताव रखना विश्वकर्मा जी स्वीकार कर लिए कि प्रभु आप चलिए मैं आऊंगा और मायापुरी मैं अवश्य में जरूर बनाऊंगा। देखे बाबूजी चले जाते हैं देवराज इंद्र जी और इधर
विश्वकर्मा जी तैयारी करे लगल आपन बसुला रुखानी लेके चल दे हला माया नगरी बनावे बदे तो कैसे हो भैया गीत लग गई शंभू भैया देखा कोनो दुलही का दर्द बाहो हृदय का वेदना है आपने सैया जी से फोन पर बतियावतिया कहतिया कि आज तो हम रहुआ से कुछ ना कहली लेकिन आज हम रहुआ से कुछ कहे जात बानी रहुआ टोकिया मत ध्यान से सुनिया हमरे बात की का कहतिया हो अरे छोड़ी के जवानी आज छोड़ी के जवानी नौकरी करे ला केतना रुपया तू पावे ला छोड़ी के जवानी नौकरी करेला केतना रुपया तू पावेला ए सैया जी ए राजा जी ए सैया जी ए राजा जी याद बहुत तू आवेला के रुखानी बसुला चले ला ले के रुखानी और बसुला चले ला ले के रुखानी और बसुला चले ला मायापुर नगरिया बनावे ला बसुला चलेलन मायापुर नगरिया बनावेलन ए भैया हो ए बाबू हो रच माया नगरी सजावेलन विश्वकर्मा जी अपन रुखानी बसुला लेके मया नगरी के भैया रच रच के बनावे लगला काम में लगल हूं और भैल का हाँ बना के तैयार कैले मायापुर नगरिया हाँ बना के तैयार कैले मायापुर नगरिया बाबा विश्वकर्मा जी के अद्भुत कारीगरिया रच के नगहर बाबा घरे चली ले रच के नगहर बाबा घरे चली ले आ फिर इंद्रदेव बोलावे
माया नगरी सजाया। क्या बात है, देखे है बाबूजी, बाबा विश्वकर्मा जी मायापुर नगरी के भैया रच रच के निर्माण अपना अपना हाथ से कैलन, नगरी बना के भैया तैयार कर दिहलन और अपना घर के चल गैलन। घर चल गैल हुआ जाके भोजन पानी करत हुआ कि तब तक बाबा के आदेश गैल, बाबा विश्वकर्मा के स्वर्ग लोक की ओर से आदेश गैल बा कि विश्वकर्मा को बुलाया जाए और बाबा विश्वकर्मा जी को बुला करके उन्हें पुरस्कार दिया जाए। माया नगरी बहुत ही अद्भुत बनाए हैं, सब देवी देवता का मन है पुरस्कार देवे बदे, सम्मान देवे बदे। वह जा करके दूत है भैया बाबा विश्वकर्मा को जो है आदेश देता है। बाबा विश्वकर्मा बड़ा खुश हो थुमन कि क्या बात है, हमके पुरस्कार मिले वाला है। बाबा विश्वकर्मा इतना खुश भैलन है भैया कि अपना दुल्ही विश्वकला से पुरस्कार के बारे में बतियावे लगला, कैसे भैया टेरी कलाई नहीं है रचनामा रचनामा अद्भुत कैले विश्वकर्मा। अरे रचनामा अद्भुत कैले विश्वकर्मा, आलेला पुरस्कार या स्वर्ग धर्मा यन्ना। रचनामा अद्भुत कैले विश्वकर्मा, लेला पुरस्कार आ स्वर्ग धर्मयनवा। दुलही से बतियावत हुवन विश्वकला से कि सब देवी देवता हमें बुलावत बाना दुलही, आखिरी बतावत तुह के का चाही, पूछत हुआ तुह का चाही, गहना गुड़िया हीरा जोरा जोन भी तुह चाही, हम देवी देवता लोगन से उहे मांगब आ तुहरा बदे लेके आई। कैसे बतियावत हुआ ये भैया, आ विश्वकला का कहत बारी, गीत लग गल भैया। क्या बात है, यो कौन बिरही का भाव है, हाय हाय हाय, पूछत बा पति जात बा बहरा हाथ के पकड़ के पूछत बा कि रवा जब चल जाए ना, पगली का भेष हो जाला और यहाँ खमार रवा बदे रोज रहिया देखे का, कही याल रहबा सैया बोला विदेशवा में, कहियाल रहबा सैया बोला विदेशवा में, अखिया रोज रोज ताके डहरियाल हो, पहले तब खुश देखा बाबा विश्वकर्मा हो, पहले तब खुश बाबा विश्वकर्मा महनवा में, पूछे जाके विश्वकला के समानवा हो, विश्वकला से पूछत हुआ तुहे का चाही, हीरा जोहरात गहना जितना भी चाही बता दो दुलही हम लेके आई, लेकिन विश्वकला मोड़ी हिलावत बाड़ी, कहत बाड़ी सैया हमें कुछ हो ना चाही, लेकिन पूछत हुआ कि नहीं, दुनिया का मेहरारू अपना पति से मांगे ली, लेकिन तू हमसे कुछ हो ना मांगत बारू, हमसे नाराज तो नहीं खूना, जो भी तुहरे दिल में है बता दा हम जरूर लेके आई। का पूछता ना, चाही का तोह के बोला मोर दिल जनिया,
आज मांगब राजा इंद्र से मंगनिया। गोली विश्वकला नहीं चाहे सोना चलिया हो, गोली विश्व कला नहीं चाहे सोना चनिया हो, नहीं चाहे गहना नहीं इंद्र सा नवानु हो। देखे हो बाबूजी दुल्ही से ए भैया दिल के गहराई में जाके भी पूछला कि तुहे कुछ चाही तो बता दा हम ले के आई मांग के आई, लेकिन विश्वकला साफ इनकार कर देली कि हमें कुछ ना चाहिए। कला कि ठीक है तुहे कुछ ना चाहिए, लेकिन दुलही हम तो ऐसे कह के जात बानी कि देवता लोगन से हम हाथी मांगो, हाथी मांगो। कहले ठीक बा जैसन राव इच्छा चल दे भैया बाबा विश्वकर्मा जी, और मन में हाथी का योजना बनोले हम कि चल के हाथी मांग। बड़ा खुश हुआ एकदम भैया, खुशी में फूले ना समात हुआ। कैसे गीत लग गए भैया? वह गीत है झाझर मारुआ जनिछा वही है बाबा हो, झाझर मारुआ जनिछा वही है बाबा हो, लगन सुरु जाबा के जोत हो। मनवा मगन चले बाबा विश्वकर्मा हो, मनवा मगन चले बाबा विश्वकर्मा हो, आई गईले स्वर्ग दरमाया न हो। सोचली हले घरावा से हाथी ले बे, हाथी ले बे सोचली हले घरावा से, मानसिकता देवता गईले जान हो। विचारत हुआ सोचत हुआ कि हाथी मांगब, और हाथी जब आ जाई अपने दुल्ही के जब ले जाके दिखाई विश्वकला हमार दुल्हन बड़ा खुश हुई हन। लेकिन हे भैया देवता मानसिकता के जान गईल कि विश्वकर्मा आज हमने से हाथी मांगी हन, तब देवता सोच में पड़ गईल। और देवता का सोच में पड़ल हुआ कैसे हाथी पर चढ़ी के जब बनी है रजनवा, आदब के बनी है बाबू अद्भुत रजनवा, कंठे बिराजा के सरस्वती मागी हो,
कंठ विराजया के सरस्वती माई हो कहले तब तोता आवान हो अगर इनके हाथी चाहिए हाथी मंगी हा, आ हाथी अगर ई पा जाई हा ते भैया हाथी पर चढ़ के राजा बने लगे हा तो आई अद्भुत रचना के करी अभी बहुत ही रचना करे के हा बहुत ही बाकी बा आखिर इनका के कैसहू हाथी वाली बात के हाथी वाली मानसिकता के कैसहू हटावे के परी इनका खत्म करे के परी। देवता सब मिल के माई सरस्वती का आह्वान कैला माई सरस्वती का आवाहन कैलन माई से निवेदन कैलन कि माई इनके मानसिकता के तू भूलवाए द भैल काया भैया पापट के लाइन है अरे छल कैले देवता सब बड़ भारी विश्वकर्मा से अरे छल कैले सब देवता बड़ भारी विश्वकर्मा से आ देहली शारद बतिया सब बिसारी विश्वकर्मा से और विश्वकर्मा जी के कंठे बैठ गईली सारी मानसिकता के वो बात के भुलवाए देहली आ जब बात के भुला गेल भैया देवता पूछत हवा विश्वकर्मा जी आपको क्या चाहिए जो चाहिए मांग लीजिए जैसे ही जुबान खुलले बाना मांगे बदे कि भैल का भैया कि हाथी के जगह पर बाबा भाथी बोले गईले हो अमूल चाम के लेके कान्हे घरे जब अइले हो अरे देख कुपित भइल विश्वकला तब नारी विश्वकर्मा से अरे देख के कुपित भइल विश्वकला तब नारी विश्वकर्मा से अरे देख के कुपित भइल विश्वकला तब नारी विश्वकर्मा से आद्यहली शारद बतिया तब बिसारी विश्वकर्मा से सही जुबान खोलना है भैया हाथी के जगह पे भाथी बोल गई ना यह तो गड़बड़ हो गई अब देवता लिया के दे देला मुंगल चाम कान्हे पर लाद देना ल लेके विश्वकर्मा जी है भैया जोन मिलल तो उन लेके जात हुआ बाकी बात तो मन से बिसर गई ल कौन चीज का योजना बना के गई नहीं लेके मुंगल चाम कान्हे पर जब घरे गई ला विश्वकला के बोलौला कि दुल्ही आवा देखा हम का लेके आयल बानी विश्वकला जी जब अली आ मुअल चाम के देखली ये भैया लगली हाथ गोड़ पटके खली बार सैया अगर तोहके लेके आवे के रहल त हाथी लेके आयल रहता आ काहे के मुअल चाम लेके आ गईल बल्कि कुछ हो ना लेके आयल रहता लेकिन तू मुअल चाम लेके आ गईल हमरे दिल में तू आग लगा दे हले बाढ़ गुस्सिया गईली विश्वकर्मा जी कल करे पगली कहा हम हाथी कह के गल रही कल की अच्छा भुला गई बारा तू अगर तुहार ये दशा रही तो कुछ दिन में हमरो के भुला जेबा खिसियाली खिसिया के भैया बिटिया संध्या के उठौली और नैहर और बयान बना दिली आल्हा में बतावे के परल का देखिए के भाथी तबा
भातिता बा बोली सुन प्यारी हो बाबू चल गई नैहर नैहर गैल बारी इधर बाबा विश्वकर्मा जी परेशान हुआ कि आखिर में हमार कौन गलती बा भाई हम जोन मंगली तोन मिलल लेकिन झूठ लगत है ये बोला तारी तू हाथी कह के गैल रहला लेकिन भात ही लेके अला खैर बाबा विश्वकर्मा बड़ा ए भैया दुखी हमन और अपना वही बसुला रुखानी से लेके जोन बा लकड़ी लेके भैया लगला गढ़े विश्व कला के याद कैला आ वो लकड़ी के गढ़ के भैया सुंदर नारी बना देला मने अपने विश्व कला जैसन हु बहु एकदम औरत बना देला काठ का मेहरारू विश्व कला समझ के भैया वही पे प्यार बरसावत हुआ वही पे प्यार लुटावत हुआ खैर दो ही दिन बीतल इधर से विश्व कला जी जोन बा अपने पिता ब्रह्मा जी के लेके चली आईली कली बाबू जी चल वो कैसे हमरा के झूठा साबित कर सकेला आ वो कैसे
हमरा सपना के ना पूरा कर सकेल। आखिर वादा कैले रह कि कबो दुखी ना रखब खुश रखब, लेकिन हमरा संग है ऐसा काहे कैल। ब्रह्मा जी अलन, अब ब्रह्मा जी जब अलन तो आके भैया लगला गरमाए विश्वकर्मा जी पर आवाज लगावा था कि कहा हो तुम, कहा बैठे हो, बाहर निकलो। तू हमरा बिटिया के रोक ना पौला, हमरा बिटिया के नाराज कह देहला, दुखी कह देहला, मन एकदम गरमात हुआ गुस्सियात हुआ। तब ले भैया वही ब्रह्मा जी के कमंडल से अमृत बूंद जवन बा छटकल, अमृत बूंद छटक के वही कांठ का जन मेहरारू रहल जाके ओकरे ऊपर पड़ल, और कंठवा ये भैया बन गए एकदम विश्वकला। वो विश्वकला काठ बन गई बा, बाहर से आवाज घर में जात बा सुनले बा कि कोनो वा के गरमात बा, गरमा के गुस्सिया के निकलल बा ये भैया वो नकली विश्वकला। क्या हो क्या हमारे मर्दे पे गरमात हो? आज जैसे ही ये भैया आईली वो काठ का विश्वकला भैल बवाल खड़ी में बतावे के पड़ल। देख के भारी आचरज भाईल तराना ये हरी गई, अरे देख के भारी आचरज भाईल तराना ये हरी गई, अरे के बा असली विश्व काला पहचाना ये हरी। देखे हो बाबूजी विश्वकला जी देखली कहली कि अरे बाप रे बाप, मात्र दुइये दिन भइल देखला बाबूजी देखला ये हमरे सौतन लिया देला। ब्रह्मा जी अब तो एकदम लगला झनके भैया कहला बारे विश्वकर्मा, उम्मीद ना रहल कि तू हमरे बिटिया के संगे विश्वासघात करबा। खैर देखा दोनों आपस में झोटा का झोटी कैले है भिड़ल बारी कि तू असली कि तू नकली, हम असली तू नकली हम असली, ऐसे कुल अपन भिड़ल है कैसे भैया। अरे दोनों लोग करे लगली आपस में लड़ाई हो, आई अपने के असली दोनों रहे तब बतलाई हो, अरे उल्टा भय तब जिंदगी के ताना बाना ये हरी, अरे उल्टा भय तब जिंदगी के ताना बाना ये हरी, अरे के बा असली विश्व काला पहचाना ये हरी। सोच में ब्रह्मा जी भी पड़ गए हुआ, अब विश्वकर्मा जी के तो ठक मुरी मरले है कि आखिर कहाँ से हमरा घर में से ही मेहरारू विश्वकला के रूप में आके खड़ा हो गया, आखिर कौन असली है आ कौन नकली है एकर तो पते ना है। खैर एकदम परेशान हुआ विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी ताना मरला विश्वकर्मा जी के कहला का हो देखा दे हला ना, देखा दे हला। यह दिन बाकी रहल ना, दो दिन खाती हमर बिटिया का चली आई हमरा के हैं कि तो दोसर शादी कर लेला। विश्वकर्मा जी कहला कि सुना पिताश्री, दूध का दूध पानी का पानी हो जाइए भैया, दोनों जाने के लेके चल गए ना ये भैया गंगा नदी, और ले जाके वही गंगा में दोनों जाने के हिलाई देला। तब पहल का दोनों को कूदाए विश्वकर्मा गंगा पनिया, काठा वाता काठ भई आसल भई रनिया, अरे काट लगले मिलके जीवन सुहाना ये हरीगी, अरे काट लगले मिलके जीवन सुहाना ये हरीगी, अरे के मायासली विश्व काला पहचाना ये हरी।
जब दोनों जाने के गंगा नदी में हिलाई दे हला ए भैया कठवा तक काट हो गई और असल रानी असल साबित हो गई ली। तो सच्चाई सामने आ गई कि विश्वकर्मा जी में कोनो गलती ना रहल, मात्र गलती ये रहल के भैया अपना दुलही से इतना प्यार करें कि दो दिन परहेज ना कपौला अपने दुलही निहर हुबहू काट का मेहरारू बना देहला। खैर ये देख के विश्वकला का और प्यार बढ़ गई हो कि बा हमार सैया हमसे इतना प्यार करेला। लेकिन बिरहा का निचोड़ आखिरी लाइन में कहना है क्या, भाई उत्पति भाती ऐसे धरा पे आई, आसन सी और निहाय हथौड़ी सब कुछ दिए बनाई, अरे आज करला कमाई जमाना ये हरी, अरे आज करला कमाई जमाना ये हरी, अरे के बा असली विश्व कला पहचाना ये हरी। बिरहा का असली निचोड़ यानी भाथी की उत्पत्ति ऐसे ही भइल, भाथी धारा पर ऐसे ही आई बाबा विश्वकर्मा के द्वारा। और बाबा विश्वकर्मा तमाम तमाम चीज बनाए अपने हाथों द्वारा, जिकरा से भैया दुनिया बहुत ही कमाई करत बा, बहुत ही आगे बा, विज्ञान बहुत ही आगे है। तो बिरहा हमार समाप्त, आखिरी लाइन आ जा कि जय जयकार गुरु जद्दू लौटन प्रसिद्धन स्वर्ग के वासी, अरे बागा में सुरेश कभी कभी महेंद्र जी बेलासी हो रचनवा अद्भुत कैले विश्वकर्मा, अरे रचनवा अद्भुत कैले विश्वकर्मा, तब पूजा चंचल कभी के ऐसन होला तरनवा रचनवा अद्भुत कैले।